आइए देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप किस कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। पीठासीन पदाधिकारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया गया है जिसको यूज़ कर आप रिपोर्टिंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस ऐप में क्या क्या ऑप्शन है और उसका कैसे उपयोग करेंगे। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई एक आप ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लीजिए। हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, तो हम आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे sec.bihar.gov.in पे। आयोग के जो है पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सबसे नीचे वाले आप ऑप्शन में देखिएगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ही आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप डाउनलोड करना है, इसलिए इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड, तो डाउनलोड करना चाहते हैं इसलिए डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया। डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे कि यहीं पर ओपन का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या 3 जो डॉट है यहाँ पर जा करके हम डाउनलोड सेक्शन में भी जा करके उसको ओपन कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आपका जो भी ब्राउज़र होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया। इंस्टॉल होने के बाद आपका ऐप अभी इंस्टॉल हो रहा है। समटाइम्स यू वेट एंड ओपन। ओपन करने के बाद देखिए अब आपका इंस्टॉल होने के बाद कुछ आपसे जो है परमिशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो अलाउ आप कर दीजिए। अलाउ हो गया। आप अब देख रहे हैं कि स्क्रीन पे पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और यूज़र आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो हर एक जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया है जो कि आपको ड्यूटी सीट के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा, यूज़र मैनुअल और यूज़र आईडी पासवर्ड। तो हम कोई एक यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आपको बताते हैं कि कैसे इस ऐप को यूज़ करना है। आप एक यूज़र आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको ब्लॉक में ही ड्यूटी सीट के साथ दे दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो चुका है और अब जो डैशबोर्ड है प्रिजाइडिंग ऐप का वो आपको दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीओ डिटेल भी क्लिक करके पीओ का जो है आप पीओ डिटेल में नाम अपना और मोबाइल संख्या सेव कर सकते हैं। इसमें मेनली आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन स्टेटस अपडेट, VTR, पोल अलर्ट और सिंक्रोनाइज डाटा। फर्स्ट स्टेप है जैसा कि आप यूज़र मैनुअल भी आप देख पा रहे होंगे, यूज़र मैनुअल भी आपके पास होगा। यूज़र मैनुअल में क्या है कि आप फर्स्ट स्टेप स्टेटस अपडेट का यूज़ करेंगे। स्टेटस अपडेट पे हमने क्लिक किया। स्टेटस अपडेट में यस और नो में आपसे कुछ जो है पॉइंट वहाँ पे डिस्प्ले होगा जिसमें आपको यस या नो करना है। पोलिंग पार्टी डिपार्चर फ्रॉम डिस्पैच सेंटर, क्या पोलिंग पार्टी जो है डिस्पैच सेंटर से डिपार्चर हो गई है। अगर आप डिपार्चर जिस दिन हो जा रहे हैं वहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही नो पे अभी रहने देंगे। यस जब आप कीजिएगा, यस करके फिर सेव करना होगा। जैसे ही आप यस कीजिएगा तभी दूसरा क्वेश्चन वो ओपन होगा, नहीं तो आप नो पे जब तक रहेगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन नहीं होगा। अब आपको है कि पोलिंग पार्टी रिस्ट ऑन पीएस, तो जब आप पोलिंग पार्टी जो है मतदान के एक दिन पहले शाम को वहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन पे पहुँच जाते हैं तो उस समय यस करके इसको अपडेट करना है। अभी मान लीजिए आप नहीं पहुँचे हैं तो नहीं कीजिएगा। अभी बस इसको उतना ही करने के बाद आप बस सिर्फ इसमें सिंक्रोनाइज डेटा पे आकर के इसको अपलोड कर दीजिएगा। सिंक्रोनाइज डेटा ये भी एक स्टेप है, ये अब 0 हो गया, मतलब आपने जो भी एंट्री किया था, जो भी एक्शन किया था उसको आपने सर्वर को भेज दिया, मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इसका रिपोर्ट आप जो भी एंट्री किए वो देख सकता है। स्टेटस अपडेट में ऐसे ही आप देख सकते हैं बारी बारी से, आप जैसे ही मतलब नेक्स्ट एक्शन लीजिएगा अलग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप उस दिन पोलिंग डे के यानी मतदान डे के एक दिन पहले आप पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए तो आप यस कीजिएगा, पहुंच जाने के बाद इसको अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा EVM रिसीव, तो EVM प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप जो हैं वो आप EVM PCCP से मतदान के दिन ही आप 4 या 5 बजे जब भी आप रिसीव करते हैं उस समय यस करके इसका अपडेट कर दीजिएगा। इसी वे में ये क्वेश्चन आपको यस नो का आते रहेगा। तो आप यस नो का कैसे यूज़ करना है आप जान गए।
यस नो करने के बाद यहाँ सिंक्रोनाइज डाटा करना नहीं भूलिएगा, सिंक्रोनाइज डाटा में सिंक्रोनाइज करके अपलोड जरूर कीजिएगा। तो ये हुआ स्टेटस अपडेट। स्टेटस अपडेट में बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि वन बाय वन आप जब यस करते जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आप वो एक्शन लीजिएगा तभी आपको यस करके अपडेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट इस ऑप्शन में मेनू है VTI, जिसको आप पोल डे के दिन यूज़ करते हैं, आपसे फ़ोन से भी पूछा जाता है और आप ऐप के थ्रू भी डाल सकते हैं। VTR मीन्स वोटर टर्नआउट, मतलब ये कि आप जिस दिन पोल करवा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप किस टाइमिंग में कितना अभी मेल फीमेल का पोलिंग हुआ, ये आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ऐप में। तो VTR में देखिए फर्स्ट आप 9 AM का फर्स्ट VTR डालते हैं, 9 AM में कितना मेल पोलिंग हुआ, ठीक है, मेल का संख्या डाल देंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि मेल अगर 9 बजे तक मेल 50 हुआ है, फीमेल मान लीजिए 30 हुआ है, तो हमने संख्या डाल दिया। थर्ड जेंडर नहीं हुआ तो थर्ड जेंडर ब्लैंक छोड़ देंगे, 0, और टोटल देखिए खुद ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐड करके ले लिया 50, 30, 80। अब इसको हम अपलोड कर देंगे तो ये VTR हो जाएगा। तो मत एज ए डेमो बता रहे हैं हम, लेके अपलोड कर देते हैं। अब VTR हो गया सबमिट, अभी अपलोड करने के लिए आ रहा होगा, आपका अपलोड हो चुका है ऑटोमेटिक। अभी सिंक्रोनाइज डेटा में देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपका अपलोड हुआ है कि नहीं। एक बार देख लीजिए फिर से VTR का ऑप्शन, 9 AM आपको यहाँ संख्या डालना है, आपका जो भी मेल फीमेल उस समय पोलिंग होगा आप डालिएगा, बस एक रैंडम वैल्यू हम डाल रहे हैं जो कि ऐड होकर के आ गया। अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। इसी वे में आप 9 AM के बाद 11 AM, 1 AM इन द पोल तक आप इसमें VTR आप डाल करके और अपलोड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका VTR दूसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में क्या है, पोल अलर्ट है। पोल अलर्ट के थ्रू आप कुछ भी ऐसा बूथ पे इशू आता है, मान लीजिए बलवा या बूथ पर कब्जा, हिंसा, EVM खराब होना, तो ये एक प्रकार का अलर्ट मैसेज है। आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही हम जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लॉगिन में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपके यहाँ बूथ में कोई ना कोई मतलब इशू हुआ है, और उस इशू रेज आपको हो जाएगा आपके स्तर से, और इशू जब रिजॉल्व हो जाएगा तब आप फिर इशू रिजॉल्व पे क्लिक करके उसमें कर दीजिएगा कि इशू रिजॉल्व हो गया। तो ये पोल अलर्ट का ऑप्शन साधारण से आप लोग बहुत कम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हर एक अभी तक स्थिति मतलब समान बनी है और बनी रहेगी। पोल अलर्ट का भी ऑप्शन ऐसे आपके पास दिया गया। तो मेनली आपको दो ऑप्शन यूज़ करना है, स्टेटस अपडेट और VTR। स्टेटस अपडेट आप जिस पोजीशन में है, मतलब आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आपको EVM रिसीव हुआ, पोल मॉक पोल कंप्लीट हुआ कि नहीं, वोटिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये सब यस या नो में इसमें आपको अलग अलग आते जाएगा। जैसे ही आप यस करिएगा देखिए नेक्स्ट मोल पोल कम्प्लीटेड यस, तो आपका नेक्स्ट वोटिंग स्टार्टेड यस आ गया, वोटिंग कम्प्लीटेड यस। तो ये सारा ऑप्शन जिस टाइमिंग में जो होगा उस समय आप इसको यस करके और अपडेट करेंगे। और ये सिंक्रोनाइज डेटा जरूर कीजिएगा, कोई भी एंट्री करने के बाद सिंक्रोनाइज डेटा करना जरूरी है। सिंक्रोनाइज डेटा से ही डेटा जो है आपका सर्वर में जा पाएगा। तो आप देख लीजिए कि कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल ऐप है, आपको यूज़र मैनुअल भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा और आप आराम से स्टेटस अपडेट और VTR ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब आप सिंक्रोनाइज डेटा कीजिएगा उस समय आपके मोबाइल में इंटरनेट होना आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट नहीं रहने से फिर सर्वर में डेटा आपका नहीं जा पाएगा। बस यही है इस ऐप में, आप लोग यूज़ कीजिए, फिर जो भी इशू या क्यूरी होगा ब्लॉक के टेक्निकल पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।